दोस्तों मुझे भी पता है वीडियोस थोड़े स्लो जा रहे हैं, बट अब इस बात का मत मानो गम, क्योंकि आज अविनाश सर लाए हैं एक वीडियो दो सम। तो चलिए फटाफट सॉल्व कर लेते हैं आज के लेक्चर के दो सम, वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर देते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों आज का पहला जो सम है वो पूछा गया था समर 9 के एग्जाम में, समर 2009, बहुत पुराना है बट नई तरीके से आ सकता है आपके एग्जाम में। तो पहले उसको समझते हैं उन्होंने क्या दिया है और हमें क्या फाइंड आउट करना है। देखिए उन्होंने एक सेक्शन दिया है 450 mm by 560 mm, और इसके आगे ना उन्होंने लिखा है क्लियरली इफेक्टिव डेप्थ है, तो इसके लिए मैंने इसको स्मॉल डी लिखने का डेयरिंग किया है। ओके डन। बाद में कहते हैं 4 नंबर ऑफ स्टील बार से जिसका डायमीटर 20 mm है, डन। जैसे ही मुझे पता चला कितने नंबर ऑफ बार से और डायमीटर, तो मैंने AST निकालने के लिए लिया। तो AST इज इक्वल टू 4 × π/4 × 20² है ना, एरिया निकाला 1256.64 आ गया। अब इसके बाद उन्होंने कवर भी दिया है जिसकी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, 40 mm। FCK कंक्रीट का ग्रेड कौन सा है, 20 m20, तो 20 N/mm². अब ये सम लेने के पीछे ये रीजन है कि आपको कवर दिया है बट यहाँ पे इफेक्टिव डेप्थ भी बोला है। तो कई दफा बच्चों का कंफ्यूजन हो जाता है कि सर कवर दिया है तो शायद मुझे उसका यूज करना ही है, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपको इफेक्टिव डेप्थ दी है तो कवर का कोई यूज नहीं होगा, और अगर ओवरऑल डेप्थ देते हैं तो कवर का यूज होता, ठीक है। बाकी प्रोसीजर सेम है। अब इन्होंने क्या कहा है, फाइंड आउट करो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। बहुत इजी है, फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहला स्टेप एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालनी पड़ती है। कैसे निकालते हो ये देखिए, XU इज इक्वल टू 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCK B। ये फॉर्मूला है, सीधा साधा सिंपल। क्या करेंगे इसमें वैल्यूज पुट करेंगे, देखिए 0.87। अब यहाँ पे FY मतलब यील्ड स्ट्रेंथ ऑफ स्टील, बट यहाँ पे दिया है क्या ग्रेड ऑफ स्टील, नहीं दिया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अज्यूम Fe 250 स्टील, इसका मतलब FY क्या आ जाएगा 250। इतना सिंपल है, ठीक है, 250 लिखा इंटू AST यहाँ पे निकाला है 1256.64 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, 0.36, FCK का वैल्यू 20, B का वैल्यू 450। अब सिंपली क्या करना है आपको, बस वैल्यूज पुट करना है और आंसर निकालना है। बहुत इजी काम होता है दोस्तों, फटाफट कर दीजिए। 0.87 FY 250 AST 1256.64 डिवाइडेड बाय 0.36, FCK 20 है, B का वैल्यू 450 है, तो यहाँ पे आंसर मिल जाएगा 84.36 mm। ये क्या मिल गया हमें, ये मिल गया XU का वैल्यू। अब स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 2 क्या है हमारा, स्टेप 2 कहता है कि फाइंड आउट करो XU मैक्स, यानी क्या मैक्सिमम और क्रिटिकल डेप्थ, मैक्सिमम और क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, यानी क्या XU मैक्स फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो क्या करेंगे हम, XU मैक्स के लिए जो फॉर्मूला है वो लिखेंगे, XU मैक्स इज इक्वल टू, अब ये फी 250 ग्रेड का अगर स्टील हो आपके पास तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना है आपको, 0.53 × D, इतना सिंपल है। तो क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे 0.53, D का वैल्यू 560 है, XU मैक्स मिल जाएगा। निकाल लेते हैं, कैलसी का यूज करना पड़ेगा, 0.53 × 560 इज इक्वल टू, ये बन गया 296.8, कितना मिला ये 296.8 mm। अब स्टेप नंबर 3 क्या कहता है कि आपको इसको कंपेयर करना है, किसको, XU एंड XU मैक्स को क्या करना है,
कंपेयर करना है, ठीक है। अब इससे क्या पता चलेगा, इससे पता चलेगा सेक्शन अंडर एनफोर्स्ड है कि ओवर एनफोर्स्ड है। चलिए देखते हैं, एक्सयू का वैल्यू 84 है, एक्सयू मैक्स का 296, तो एक्सयू मैक्स क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो क्या करेंगे हम इसको, एक्सयू जो है छोटा है एक्सयू मैक्स से, तो इससे क्या कह सकते हैं, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, ठीक है। क्या बोला मैंने इसको, अंडर एनफोर्स सेक्शन, अगर एक्सयू बड़ा होता तो उसको ओवर एनफोर्स बोलते हैं, वो सब डिजाइन स्टेप्स में दिया हुआ है। अब स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं, बहुत इजी है स्टेप 4। स्टेप 4 क्या है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ही फाइंड आउट करना है। अब अगर अंडर एनफोर्स्ड है तो उसके लिए फॉर्मूला 0.87 FY AST इन ब्रैकेट डी माइनस 0.42 XE, इतना सिंपल फॉर्मूला यूज करना है आपको। वैल्यू पुट करते हैं, 0.87 FY की जगह 250, AST की जगह 1256.64 इनटू, ये वैल्यू मैं गोडाउन से उठा रहा हूँ गिवन में से, डन। D का वैल्यू 560 माइनस 0.42 XU, हाँ XU 84.36। अब कैलकुलेशन करने की जिम्मेदारी आप अच्छी तरीके से उठाते हो, ये मुझे पता है, आंसर भी बता दोगे, ठीक है। कैलकुलेशन करना है, आंसर लिखना है, यहाँ पे अपना पहला न्यूमेरिकल अच्छी तरीके से खत्म हो गया। क्या आपको समझ में आ गया, वेरी गुड। अब मिडवे में है लेक्चर के, आप वीडियो को शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो और कमेंट भी कर सकते हो, तब जाके आगे का हम सम सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये जो सम दिख रहा है आपको, ठीक है, इसके साथ डन हो चुके हैं हम, अब इसके लिए जाते हैं। ये जो सम है विंटर 2012 के एग्जाम में पूछा गया था। अब ऐसा नहीं है कि वहाँ पे पूछा था तो अब नहीं पूछेंगे, पूछ सकते हैं भाई साहब, है ना, टेक्स्ट बुक लेके बैठता है पेपर सेटर और वहीं से उठाता है न्यूमेरिकल, आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। आइए बता देता हूँ इसको कैसे सॉल्व करना है, बट उससे पहले समझते हैं उन्होंने क्या दिया है। 250 mm बाई 500 mm का बीम का सेक्शन दिया, बट यहाँ पे कहीं पे भी उन्होंने मेंशन नहीं किया कि ये इफेक्टिव है करके, इफेक्टिव वर्ड है ही नहीं। तो अब क्या करेंगे, ये जो पहला है डायमेंशन, इसको b मानेंगे, b इज इक्वल टू 250, और इफेक्टिव नहीं बोला इसके लिए, बड़ा d होगा ये 500 mm, डन। इसको लिखा, फिर उसके बाद एरिया ऑफ स्टील उन्होंने डायरेक्टली दिया है 1256 mm स्क्वायर, और बोलते हैं ये जो स्टील है प्लेस्ड एट 30 mm फ्रॉम बॉटम फेस, बॉटम से ऊपर, मतलब मानो कि ये बीम है आपका, ठीक है, और ये बीम का बॉटम है, तो रेनफोर्समेंट ऐसा ऊपर प्रोवाइड किया गया है, कितना ऊपर है 30, इसको क्या बोलते हैं हम, कवर बोलते हैं ना, तो मैंने यहाँ पे लिखा कवर डी डैश इज इक्वल टू 30 mm, डन, ओके। फिर उसके बाद आपको इफेक्टिव डेप्थ चाहिए तो क्या करोगे, बड़े डी से कवर माइनस करोगे, ओवरऑल डेप्थ माइनस कवर इज इक्वल टू 470 mm, तो यहाँ पे हमें इफेक्टिव डेप्थ मिल गया। ये बात को समझ में आ गई तो ये बाकी सम तो बहुत ईजी है, चलिए सॉल्व करते हैं। पहला ठीक है, उससे पहले जो दिया है और चीज़ बता देता हूँ, FCK जो है मतलब कंक्रीट का ग्रेड वो दिया है 20 newton per mm square, फिर आगे यील्ड स्ट्रेंथ यानी ग्रेड ऑफ स्टील भी दिया है, कितना है 250 newton per mm square, डन। इसके बाद टू फाइंड, क्या फाइंड आउट करने के लिए बोला है, फाइंड आउट करने के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बोला है। तो यहाँ पे स्टेप नंबर 1 कौन सी है, XU फाइंड आउट करना है। XU मतलब क्या होता है, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, फॉर्मूला आपने यहाँ पे देखा है, फिर भी लिखो दोबारा, XU इज इक्वल टू 0.87 FY AST अपॉन 0.36 FCK बी। वैल्यूज पुट करेंगे, गोडाउन में सब कुछ रखा हुआ है, ये देखिए 0.87 FY की जगह और 250, यस परफेक्ट, AST की जगह 1256 क्योंकि वैल्यू वही दिया ना, 0.36, FCK की जगह 20,
बी 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 इधर है 250 है, कर लीजिए कैलकुलेशन एक्सयू कितना मिलेगा देखते हैं। कैलकुलेशन करने की आदत डाल लो, कॉपी पेस्ट करो मत। 0.87 FY 250 है, AST 1256 है, डिवाइडेड बाय 0.36 FC के 20, B की जगह 250, तो मिला ये आंसर 151.77 mm। अब दूसरा स्टेप, स्टेप नंबर टू कहता है कि मैक्सिमम कितना डेप्थ होना चाहिए न्यूट्रल एक्सिस का, जिसको हम एक्सयू मैक्स से डिनोट करते हैं, वो निकालो। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला है उसके लिए बहुत इजी। एक्सयू मैक्स इज इक्वल टू, अगर कंक्रीट का सॉरी स्टील का ग्रेड 250 है तो उसके लिए फॉर्मूला है 0.53 इंटू डी, अगर 415 होता तो 0.48 आता इंटू डी, अगर Fe 500 होता तो वहाँ पे 0.46 आता। ठीक है, डन। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे। 0.53 है, गलती से आप इधर का डी पुट कर दोगे, बड़ा डी चलेगा नहीं, गलत हो जाएगा वो। अब देखिए एक्सयू मैक्स कितना आया, एक्सयू मैक्स की वैल्यू 0.53 इंटू 470, 249.1 आ गया। कितना, 249.1 mm। तो यहाँ पे तीसरा स्टेप क्या है हमारा, दोनों को कंपेयर करो एक्सयू और एक्सयू मैक्स से। चलिए करते हैं स्टेप थ्री, कंपेयर एक्सयू एंड एक्सयू मैक्स। इतनी सी बात है, कर लेते हैं कंपैरिजन। देखिए एक्सयू 151 है और एक्सयू मैक्स 249 है, इसका मतलब एक्सयू बड़ा है कि छोटा है, तो एक्सयू छोटा है एक्सयू मैक्स से, इसके लिए एक्सयू लेस देन एक्सयू मैक्स। इतना सिंपल, अगर एक्सयू लेस देन एक्सयू मैक्स होता है तो उसको क्या बोलते हैं, हम अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन बोलते हैं, अंडर रेनफोर्स्ड सेक्शन, डन। अब लास्ट में स्टेप नंबर फोर, मूवमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ही तो निकालना है, एम यू, और अंडर रेनफोर्स्ड रहेगा तो आपको भली भांति पता है उसके लिए फॉर्मूला क्या आता है, एम यू इज इक्वल टू 0.87 FY AST इंटू अंडर ब्रैकेट 0.42 XU। वैल्यू पुट करेंगे 0.87 FY की जगह 250, AST की जगह 1256, इंटू डी की जगह 470, ये याद रखो। ठीक है, डन। माइनस 0.42 इंटू XU का वैल्यू 151.77। कैलकुलेशन के बादशाह तो आप हो ही, कैलकुलेशन करो और MU लिखो। आई होप आप सभी को ये समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।